प्रणाम स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू चैप्टर 5, सम्स नंबर 10, स्टैंडर्ड सेकेंड। इससे पहले वाले वीडियो में मैं आपको चैप्टर 5 का सम्स नंबर 10 का आधा पार्ट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आधे पैटर्न जो बाकी रह गए हैं वो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। अभी देखो, यहाँ पे कुछ पैटर्न्स दी है, उसके आंसर हमें यहाँ पर क्या करना है, राइट डाउन लिखना है, राइट डाउन करना है। मैंने आंसर पहले से ही लिख दिए हैं, वो आंसर कैसे आए वो मैं आपको इस चैप्टर में इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। फर्स्ट पैटर्न देखो, 15, 20, 25 मीन्स हमें क्या करना है, 5 का टेबल बोलना है या हम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं। 15 के बाद 20 तक हमें क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है, 16, 17, 18, 19, 20। फिर ये लाइन को हमें काउंट करते जाना है और आगे लिखते जाना है। 25 के बाद ये लाइन काउंट करेंगे, 26, 27, 28, 29, 30। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 30, 35, 31, 32, 33, 34, 35। तो 35 आया, फिर ये लाइन काउंट करेंगे तो 40 आएगा, फिर लाइन काउंट करेंगे तो 45 आएगा, फिर लाइन काउंट करेंगे तो 50 आएगा। इस तरह से हम लाइन काउंट करके ये पैटर्न पूरी लिख सकते हैं, या हम 5 का टेबल भी बोल सकते हैं। 5, 5, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या लाइन ड्रॉ करके भी हम इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट पैटर्न इज़ 18। 18 के बाद हमें कहाँ तक लाइन ड्रॉ करनी है, 21 तक। 18 के बाद 19, 20, 21। अब 24 के बाद हमें ये लाइन काउंट करनी है, 25, 26, 27। तो 27 यहाँ पे लिख दिया, 28, 29, 30। तो 30 यहाँ पे लिख दिया, 31, 32, 33। तो 33 लिख दिया, 34, 35, 36। तो 36 लिख दिया, 37, 38, 39। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 39। नेक्स्ट पैटर्न इज 52 और 54। तो 52 के बाद 53, 54, ओनली टू लाइन आई, टू लाइन काउंट करते जाना है और हमें ये सारी एम्प्टी स्पेस क्या करनी है, फिलअप कर देनी है। नेक्स्ट पैटर्न इज 5A, 6B, 7A। अब देखो, इसमें नंबर्स और अल्फ़ाबेट दोनों साथ में दिए, तो हम दोनों साथ में नहीं करेंगे। सबसे पहले नंबर्स को हम लिख लेंगे, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पहले नंबर लिख लिए, उसके बाद अल्फ़ाबेट की बारी, A, B, C, D, E, F, G, H। इस तरह से हमें करना है, पहले नंबर नंबर लिख लेने हैं, फिर अल्फ़ाबेट लिखने हैं। नंबर नंबर, यदि सिर्फ हम नंबर देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 लिखना है। फिर अल्फ़ाबेट भी देख के हमें पता चल रहा है, A, B, C, D, E, F, G, H तक हमें ये क्या करना है, लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट पैटर्न है 85, 75, 65। मतलब ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 85, फिर उसमें 10 कम हो गया तो 75, फिर उसमें 10 कम हो गया तो 65, फिर उसमें 10 कम हो गया तो 55, 45, 35, 25 और 15। मतलब कि ये क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, काउंटिंग रिवर्स में जा रही है। ये हमें नंबर देख के पता चलना चाहिए, आगे के 3 नंबर है वो देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि काउंटिंग कैसी जा रही है, रिवर्स में जा रही है। तो आगे के जो बॉक्स है उसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, 10, 10 माइनस करके लिखना होगा। इसके आगे नेक्स्ट पैटर्न इज 55, 50, 45। ये भी सेम जैसे ऊपर वाला पैटर्न है वैसा ही है, इसमें भी काउंटिंग क्या हो रही है, रिवर्स में जा रही है, 55, 50, 45। मीन्स 5, 5 कम हो रहे, 45 के बाद 5 कम करेंगे तो 40, उसमें से 5 माइनस करेंगे तो 35, उसमें से 5 माइनस करेंगे तो 30, उसमें से 5 माइनस करेंगे 25, और उसमें से 5 माइनस करेंगे तो 20। इस तरह से हमारा ये पैटर्न कंप्लीट होगा। नेक्स्ट देखो, 20, 19, 18। अब इसमें कम तो हो रहा है, रिवर्स में जा रही है, लेकिन 20, 19, 18, तो 18 के पहले क्या आया, 17, 16, 15, 14, 13। तो हमें क्या करना है, ये सिंपल काउंटिंग रिवर्स में खाली लिख देनी है, ठीक है। नेक्स्ट इज 40 है, 40 के बाद 38, 36। मतलब ये भी क्या हो रहा है, रिवर्स में जा रहा है, लेकिन
टू टू रिवर्स में जा रहा है, हमें पता होना चाहिए कि ये रिवर्स में जा रहा है तो कितना कितना रिवर्स में जा रहा है। फोर टू में से हमने कितने रिवर्स किए, कितने माइनस किए, तो 38 आए, ओनली टू। तो टू टू माइनस करते जाना है और लिखते जाना है। 36 में से टू माइनस किए तो 34, 34 में से टू माइनस किए तो 32, 32 में से टू माइनस किए तो 30, 30 में से टू माइनस किए तो 28, और 28 में से टू माइनस किए तो 26। या हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, जैसे हमें पता चल गया कि ये माइनस में, तो अब हमें कहाँ लाइन ड्रॉ करनी है, तो पहले 38 से लेके 40 तक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि ये रिवर्स में है, इसलिए 38 के बाद 39, 40, और 22 को हमें क्या करते जाना है, माइनस करते जाना है। ठीक है, आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, बाय, प्रणाम।